हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे नोट्स समझ में आते हैं, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। सबसे पहले हम सेल वॉल के कुछ फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी रिजिड होता है, यानी कि काफ़ी टफ और काफ़ी हार्ड होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, फंगाई में और एल्गी में। अब ये जो सेल वॉल है ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, फंगाई में और एल्गी में, जिसे कि सेल वॉल कहा जाता है, जो कि काफ़ी टफ, फ्लेक्सिबल और रिजिड होता है टेक्स्चर में। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि फंगाई में प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट है और प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि ये किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो फंगाई में अगर सेल वॉल की बात करें कि किस चीज़ से बना है, तो बना हुआ होता है काइटिन का। एल्गी में सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज का, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। प्लांट्स में अगर बात करेंगे सेल वॉल किस चीज़ का बना है, तो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सेल वॉल के अंदर थ्री मेजर लेयर्स देखने को मिलते हैं। वो थ्री मेजर लेयर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है प्राइमरी सेल वॉल, द मिडिल लैमिला, द सेकेंडरी सेल वॉल। ये तीनों लेयर जो हैं वो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे द मिडिल लैमिला को, क्योंकि सेल वॉल का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो होता है द मिडिल लैमिला। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो मिडिल लैमिला है, मिडिल लैमिला क्या होता है कि आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल का और एक स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है। स्टिकीनेस यानी कि एक चिपचिपापन प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक सेल दूसरे सेल से जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये एक्ट करता है सीमेंटिंग लेयर की तरह। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जो घरों में कमरे होते हैं वो एक कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा होता है एक दीवार के थ्रू, उसी तरीके से जो सेल होते हैं ना, एक सेल दूसरे सेल से जुड़े हुए होते हैं मिडिल लैमिला के थ्रू। तो इसे सीमेंटिंग लेयर भी कहा जा सकता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये बना किस चीज़ से होता है? तो मेनली ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है। मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है और मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है लेकिन इसके अंदर। और ये इससे होता क्या कि ये होल्ड करके रखते हैं या ग्लू करके रखते हैं नेबरिंग सेल्स को आपस में, यानी कि जो आजू बाजू सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना जितने भी, वो सारे सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं इन कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की मदद से। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रूट की, अगर फ्रूट जब कच्चा होता है तो काफ़ी हार्ड होता है, तो जैसे जैसे वो फ्रूट पकने लगता है ना, तो इनके अंदर का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होता है काफ़ी लूज़ हो जाता है और सॉफ्ट होने लगता है, तो फ्रूट को सॉफ्ट बना देता है। तो कहा जा सकता है कि ये फ्रूट को पकने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से, यानी कि एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक जुड़ा हुआ रहता है मिडिल लैमिला के थ्रू। तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जा रहा है। तो एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट रहता है मिडिल लैमिला में। तो यहाँ पे तो बात कर ली हमने मिडिल लैमिला की, अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है, बहुत ही थिन यानी बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा उसमें। और ग्रेजुअली जैसे जैसे जो सेल मैच्योर होता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा प्राइमरी सेल वॉल उस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है।
मेरे लिए बना हुआ होता है सेलुलोज का, और बहुत सारे सेल प्राइमरी सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि पेप्टिक पॉलीसेकेराइड्स या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं। अब प्राइमरी सेल वॉल कहाँ मिलता है? तो प्राइमरी सेल वॉल मिलता है मिडिल लैमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में। अगर एक प्लांट का सेल वॉल हम देखें तो उसमें कहाँ पे है प्राइमरी सेल वॉल? तो ये मिडिल लैमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट रहता है। ये इसका फंक्शन क्या हो सकता है? तो फंक्शन तो ये है कि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड करता है सेल को ग्रोथ करने के लिए एक हेल्प मिल जाता है इससे। तो जो ग्रोइंग सेल्स हैं ना, वहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो न्यू प्लांट्स होंगे, जो यंग प्लांट्स होंगे, वहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। आपने नया नया पौधा देखा होगा कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है वो प्लांट, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो प्लांट का जो हम पार्ट देखें कोई भी टफ नहीं रहता है। तो ये वही है कि यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल उनमें प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, ये लोकेटेड रहता है प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पे। और ये बना हुआ होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और लिग्निन, ये तीनों चीज़ें से बना हुआ होता है। कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में याद रख लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे है कि इट ब्रिंग्स थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को थिक करने में, यानी कि सेल वॉल को थिक करना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको मोटा करना बोल सकते हैं आप, उस चीज़ को ये करता है, सेल वॉल को थिक करता है और एक हार्ड वुडी पार्ट फॉर्म करता है प्लांट में। इसकी वजह से ही जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी वजह से ही जो वुडी पार्ट, जो हार्ड वुडी पार्ट है प्लांट का, वो फॉर्म होता है। अब अगर इनके इनके स्ट्रक्चर को, जो सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसे और डीपली देखा जाए तो मिलता है कि वो उसमें थ्री लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूजुअली ये थ्री लेयर्ड होता है। तो ये हो गया यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का, अगर उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। अब हम देखेंगे सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स को लेवलिंग किया है, देख लेते क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अंदर की तरफ जो रेड है, रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो हो गया आपका यहाँ पे रेड कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट यहाँ पे हम ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ब्लू कलर का हो गया आपका सेकेंडरी सेल वॉल, और बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो है प्राइमरी सेल वॉल। अब यहाँ पे हमें सभी सेल्स के बीचों बीच एक ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि है मिडिल लैमिला, और ये प्लाज्मोडेस्माटा है जो कि मिडिल लैमिला से होते हुए एक सेल के दूसरे साइड सेल एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक जुड़ा हुआ है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हम देख रहे हैं कि ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है ये मिडिल लैमिला है जिसने कि एक सेल को दूसरे सेल से चिपका के रखा है, यानी कि जोड़ के रखा है। और ये यहाँ पे जो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, इसके थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए एक सेल में न्यूट्रिएंट्स उसको मिल गए पूरी तरीके से, तो उस सेल के न्यूट्रिएंट्स जब पूरी तरीके से मिल गए तो वहाँ से वो फिर दूसरे सेल में पास हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर, और ये मिडिल लैमिला ये सेल के चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद फिर बाकी के जो सेल्स हैं वो इसी के थ्रू दूसरे सेल से चिपके हुए रहते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो किया है जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा। तो हमने बात की थी कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमिला के बीच में। तो मिडिल लैमिला यहाँ से होते हुए सारी जगह प्रेजेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो बस इतना सा है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसका फीचर क्या और डायग्राम क्या है। तो उम्मीद है जो आज का लेक्चर है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे।